नॉट आउट थे विराट कोहली। आउट दिए जाने पर अंपायर पर बुरी तरह भड़की। विराट ने नो बॉल पर जमकर काटा हल्ला। बीच मैच अंपायर पर हुए आग बबूला। विराट के आउट देने पर बीच मैच अंपायर से जा भिड़े केकेआर के कोच गौतम गंभीर। आईपीएल 2024 में 3600 मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच ईडन गार्डन स्टेडियम पर खेला गया। इस मैच को केकेआर ने एक रन से अपने नाम कर लिया। वहीं इस हार के साथ ही आरसीबी के लिए प्लेऑफ के रास्ते भी बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मैच में विराट कोहली का विकेट गिरना अब नया विवाद खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ी है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर फैंस थर्ड अंपायर के फैसले को गलत बता रहे हैं। वहीं अब मैच के बाद केकेआर के मेंटोर गौतम गंभीर की भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल इस मैच में विराट कोहली बल्लेबाजी के दौरान काफी अच्छी लय दिखाई दे रही थी। वही 18 रन के स्कोर पर विराट कोहली को हर्षित राणा ने स्लो फुलटोस गेंद डाली, जिस पर कोहली गेंदबाज को एक कैच थमा बैठी। हालांकि उस वक्त गेंद देखकर ऐसा लग रहा था कि ये नो बॉल है, लेकिन बाद में थर्ड अंपायर ने भी कोहली को आउट करार दे दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले खेलते हुए 222 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जब आरसीबी के लिए विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करने के लिए आए तो उन्होंने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई, मगर तीसरे ओवर में विराट कोहली जब आउट हुई तो बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल हर्षित राणा गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन ओवर की पहली गेंद उन्होंने फुल टॉस फेंकी। कोहली ने बल्ला उड़ा दिया, जिससे गेंद हवा में जा उछली। कैच पूरे होने के बाद कोहली ने तुरंत डीआरएस की मांग कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे ये नो बॉल थी। तीसरे ओवर की पहली गेंद हर्षित राणा ने फुल टॉस फेंकी। विराट कोहली को उम्मीद नहीं थी कि गेंद फुल टॉस आएगी, इसलिए उन्होंने बल्ला उड़ा दिया और गेंद उससे लगकर हवा में उछल गई। हर्षित ने तुरंत कैच लपक लिया, लेकिन अंपायरों द्वारा भी इस गेंद का रिव्यू किया गया। कोहली आश्वस्त थे कि गेंद नो बॉल होगी, लेकिन जब ग्राफिक्स में देखा गया तो गेंद की ऊंचाई नो बॉल की तय सीमा से बाहर थी। ये सब देख कोहली की मैदान में मौजूद अंपायरों से काफी बहस हो गई। कोहली का आउट होना इसलिए भी विवाद का कारण बना, क्योंकि जब उनका कैच हवा में उछला तब कोहली क्रीज के बाहर खड़ी थी। ग्राफिक्स को देखते हुए कमेंटेटर्स ने भी दावा किया कि अगर कोहली क्रीज से बाहर ना जाए तो गेंद नो बॉल के लिए तय ऊंचाई से नीचे रहती। इसके बावजूद जब टीवी अंपायर ने फैसला सुनाया तब भी कोहली अपना सिर हिलाते हुए डग आउट की ओर चल पड़ी। इस विवाद ने स्मार्ट रिव्यू सिस्टम और बॉल ट्रैकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं कोहली के मैदान से बाहर जाने के बाद आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस भी अंपायर से पूछते दिखाई दिए कि आखिर ये हुआ कैसे। वहीं इस मैच के खत्म होने के बाद गौतम गंभीर की एक तस्वीर भी अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई, जिसमें गौतम गंभीर अंपायर से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। केकेआर ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 222 रन बनाए। केकेआर की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 50 रनों की पारी खेली। वहीं 223 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की टीम 221 रन ही बना सकी। आरसीबी की तरफ से इस मैच में विल जैक्स ने सबसे ज्यादा 55 रनों की पारी खेली। वहीं केकेआर की तरफ से गेंदबाजी करते हुए आदर रसल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर करें और जुड़े रहें हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।